गाइज, आज हम आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ बीम, यानी कि बीबीएस ऑफ बीम, या फिर कॉलम या स्लैब। आप अगर बीम के कर लोगे बार बेंडिंग शेड्यूल, तो कॉलम का भी कर लोगे, स्लैब का भी कर लोगे, ठीक है। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसको करते हैं, ठीक है। सपोर्ट डेट ये मान लो ये हमारा बीम है, ठीक है, ये हमारा कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी। अब इसके अंदर में कितना सरिया आएंगे उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर कटिंग लेंथ हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू साइज कि कितनी हमारी सरिया आएगी, ठीक है। आप एक्सेल पे बनाना चाहते हो, एमएस एक्सेल पे बनाना चाहते हो, एक्सेल में क्या करना पड़ेगा, एक्सेल शीट को ओपन करनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, सेकेंड कॉलम में आएगा नंबर्स ऑफ बार, थर्ड में आएगा कटिंग लेंथ ऑफ बार, एंड फोर्थ में आएगा टोटल लेंथ, और फिफ्थ में डाल दो शेप, किस आकार का हमारा सरिया है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, अब हम इस फिगर से समझेंगे, ठीक है। हमारा जो बीम का लेंथ है वो 6 मीटर है, 6000 mm, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का साइज है 200 mm, मेन है 0.2 मीटर्स। सेकेंड वन का भी सेम है, कॉलम का साइज 200 mm के। अब इसमें देखेंगे हमारा टॉप बार, जो ये टॉप बार है ऊपर में जो हमारा सरिया लगा है, उसकी जो साइज है, सरिया का जो डाया है हमारा, वो है 16 mm की, ठीक है, 16 mm की। बॉटम बार जो है हमारा बीम का, उसका जो डाया है सरिया के बार का जो डाया है वो है हमारा 12 mm की, ठीक है। और ये जो हमारा जो स्टीरप है इसका जो डाया हमारा वो है 8 mm की, ठीक है। ये हमारा है 8 mm की, और सेंटर टू सेंटर इसकी जो डिस्टेंस है वो 150 mm है। सपोर्ट डेट मान लो इसको हम इस सेक्शन को काटते हैं, आप इधर से काटो या फिर इधर से काटो, ठीक है। तो हमारे ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा रिंग है, ये हमारा जब सेक्शन काटते हो तो ये बॉटम का बार है, ये टॉप की बार है, ठीक है। बीम की बात कर रहा हूँ, इस साइज की बीम की, आप किसी भी साइज को देख सकते हो, साइड पे काम कर रहे हो, बिल्डिंग वर्क में हो या फिर ब्रिज वर्क में हो, किसी भी वर्क में हो, ये बार बेंडिंग शेड्यूल हर इंजीनियर को आना ही चाहिए, ठीक है। तब कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे टॉप बार इसमें हमारा कितना है, दोनों टॉप बार हमारा है 1 और 2। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया रहेगा आपको, ठीक है। टॉप बार दे देगा, टॉप बार कितनी है, बॉटम बार कितनी है, स्टीरअप की डाया कितनी है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट लेंथ भी शो होगा, ठीक है। अगर दिया हुआ नहीं है आपको ड्राइंग में तो आपको ड्राइंग एज्यूम करनी है। एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ जो होती है ना, ALD जिसको बोला जाता है, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ कितनी लेनी है, ठीक है, ये चीज़ माइंड में याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं टॉप बार हमारा, नंबर्स ऑफ बार कितनी है, 2। अब इसका हम कटिंग लेंथ निकालेंगे टॉप बार के कटिंग लेंथ निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो हमारा टॉप बार के हमारा
जो लेंथ है वो 6 मीटर की है, ठीक है। कॉलम का जो हमारा साइज है वो कितना है, 200 mm की, ठीक है। दूसरे कॉलम की साइज कितनी है, 200 mm की, ठीक है। जब टॉप बार निकालोगे तो ये सरिया कहाँ से है, ये देखो ध्यान से देखो, ये यूं गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा मुझे मालूम हो गया 6 मीटर, और ये 200 साइज है हमारा कॉलम की, इस कॉलम की भी 200 साइज है। तो हम लोग कहाँ तक आए, मैं आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे ये देखना है यहाँ तक तो आ गए, तो ये भी तो कंक्रीट भी तो है, इसको हमारे ये कवर आ रहा है, कवर है हमारा 40 mm की, ठीक है। वो सारा ड्राइंग में आपको गिवेन रहेगा, ये क्लियर जो कवर है हमारा 40 mm, मेन डेट 0.04 मीटर, ठीक है। इस कैलकुलेशन को समझो, बीम की लेंथ है 6 मीटर, कॉलम का जो साइज है हमारा 0.2 मीटर, सेकेंड कॉलम की जो साइज है 0.2 मीटर। अब ये है हमारा डेवलपमेंट लेंथ है 12 × d, ये है हमारा 12 × d डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ क्या है इसमें, तो ये देखो ये हमारा डेवलपमेंट एक हो गया, दूसरा हो गया टॉप बार के लिए ये, ठीक है। तो 12 × टॉप बार की डाया कितनी है, वो है 16 mm की, तो डाया कितनी होगी 16, दो डेवलपमेंट लेंथ है टॉप बार की, वन हेयर सेकेंड वन हेयर, ठीक है। इस कैलकुलेशन को गौर से समझो, हमारे कितने आएगी, इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे माइनस क्लियर कवर भी करनी है, दोनों तरफ से कवर आएगी, ये वाली कवर, कंक्रीट सरिया तो पूरे में तो डालोगे नहीं, ठीक है। ये कंक्रीट कवर है, ये हमारा कंक्रीट कवर है, कंक्रीट कवर हमारी माइनस हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को जब आगे बढ़ाओगे तो कटिंग लेंथ हमारा टॉप बार की कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 6.784 मीटर्स। तो इसी चीज़ को मैं एक्सेल शीट में लिखो या फिर आप रजिस्टर में एंट्री तो करनी पड़ेगी, तभी क्वांटिटी निकाल पाओगे स्टील की हमारी क्वांटिटी कितनी आ रही है इस बीम के लिए, ठीक है। हमारा कटिंग लेंथ कितना है, 6.784 मीटर्स, और नंबर्स ऑफ बार टॉप बार जो है हमारा दो नंबर्स है, 2 × 6.784 = 13.568 मीटर। अब ये शेप है, ठीक है, किस साइज का स्टील का शेप है, देखो ये शेप इसी टाइप का है ना, तो मैंने शेप भी डाल दिया, ठीक है। अब चलेंगे बॉटम बार के, तो बॉटम बार में जैसे सेक्शन में दिखा रहे हैं चार सरिया है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये मैंने 4 एंट्री कर दिया, ठीक है। अब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, सेम प्रोसेस, 6 मीटर, 6 मीटर लेंथ है हमारा, कॉलम का साइज है 200 mm, 200 mm, ठीक है। अब डेवलपमेंट लेंथ हमारा कितना है, 12 d, तो d यहाँ पे चेंज हो जाएगा, d हमारा बॉटम बार के लिए, d जो हमारा है डायमीटर ऑफ बार वो हमारा 12 mm की है, तो ये 12 mm, ठीक है। 12 d होता है 12 × 12 × 2, डेवलपमेंट लेंथ में हमारा 1 एंड 2, सरिया तो यूँ जा रही है ना, तो इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, ठीक है। जब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो बॉटम बार की हमारी कितनी आएगी कटिंग लेंथ, वो आएगी 6.688 मीटर। इसी चीज़ को मैंने एंट्री कर दिया कटिंग लेंथ में, बॉटम बार कटिंग लेंथ 6.688 मीटर। चार बार है हमारा बॉटम बार की, 4 × 6.688 मीटर करेंगे तो 26.752 मीटर। शेप देखते हैं तो शेप इस साइज की हमारी है, ठीक है। ये देखो शेप हमारा ये है बॉटम बार की।
अब आगे देखेंगे स्टीरअप की बात करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो साइज है हमारी बीम की, जो साइज है बीम की, जो साइज है हमारी, इसमें कितना स्टीरअप लगेगा। तो स्टीरअप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ, लेंथ अपॉन स्पेसिंग, ठीक है। तो स्पेसिंग हमारा कितनी है, वो है 150 mm की। लेंथ कितनी है, 6 मीटर, 6000 mm। इसको चेंज कर दो मीटर को एमएम में, और 150, इसको जब डिवाइड करोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, ये हमारा 14 हो जाए। ये नंबर्स ऑफ बार स्टीरअप की कितनी संख्या है, वह है 40, ठीक है। अब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो हमारा जो बीम का साइज है वो डेप्थ है 500 mm की, और विड्थ है हमारा 400 mm की, ठीक है। तो कटिंग लेंथ की फार्मूला जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्टीरअप। तो रेक्टेंगुलर स्टीरअप का फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। रेक्टेंगुलर स्टीरअप का हमारा फॉर्मूला है 2 × डेप्थ प्लस विड्थ। ये 420 कैसे लिया, देखो यहाँ से यहाँ लेकर मुझे 500 mm, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ये क्लियर कवर माइनस करो 40 mm, यहाँ से ये क्लियर कवर करो माइनस 40 mm। 500 माइनस 40 mm माइनस 40 mm इक्वल टू 420 mm, ठीक है। सेम अगर इस तरीका से यहाँ से आएंगे, तो ये 40 mm माइनस करो, ये 40 माइनस करो 400 में, 400 माइनस 40 माइनस 40 mm इक्वल टू 320 mm, ठीक है। ये चीज़ हमारा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे भी रेक्टेंगल से भी समझ सकते हो। प्लस ये हमारा 10 × 8, ये क्या है, ये हमारा है हुक लेंथ, ये वाला हुक लेंथ, ये क्या होता है 10D होता है। तो डाया ऑफ स्टीरअप कितनी है, वो हमारी है 8 mm की, ठीक है। तो ये हमारा 10D हो गया हुक लेंथ, ठीक है। बाकी देखते हैं, माइनस 3 × 2 × 8, ये हमारा है 3 नंबर्स ऑफ 90 डिग्री बेंड्स। माइनस 2 × 3 × 8 क्या है, वो हमारा है 2 नंबर्स ऑफ 135 डिग्री बेंड्स, ठीक है। इस कैलकुलेशन को जब आगे बढ़ाओगे तो हमारा स्टीरअप का कटिंग लेंथ आएगी 1.464 मीटर्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को एंट्री कर लो एक्सेल शीट पे, या फिर रजिस्टर पे ऐड कर लो, ठीक है। हमारा कटिंग लेंथ कितना है, एक स्टीरअप का 1.464 मीटर, हमारा कितना है 40 स्टीरअप है, 40 × 1.464 मीटर। इस कैलकुलेशन करोगे तो हमारा 58.56 मीटर्स आएगा। ये हमारा स्टीरअप का शेप है, ठीक है। इस तरीका से बार बेंडिंग शेड्यूल कर सकते हो, चाहे एक्सेल शीट पे करो, लैपटॉप पे करो, या फिर रजिस्टर में करो। ये तो इंजीनियर्स को करना ही पड़ेगा, और ये हर इंजीनियर को आना चाहिए, चाहे वो फ्रेश हो या फिर एक्सपीरियंस वाले हों, क्योंकि स्टील की क्वांटिटी निकालनी है तो बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। अगर इस वीडियो में किसी तरीका का प्रॉब्लम हो, या कोई बात समझ में नहीं आई हो, या फिर कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो, तो मुझे आप कमेंट करें, कमेंट से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।